हाल है? मैं ठीक ठाक, उम्मीद करते हैं कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। तो जी पहले बहन भाई, आज हम बनाने जा रहे हैं फिश कौरमा, और यह है मेरे पास सिरका, और मैं इसे सिरके में धोने लगी है। फिर उसके बाद हम इसे पकाएंगे और सब बहन भाइयों को दिखाएंगे। मम्मा फिश धो रही हैं अब। हाँ जी, ये फिश मैं धो रही हूँ अच्छे से, और फिर हम इसका फिश कौरमा बनाएंगे। हाँ जी, क्योंकि फिर क्या कहते हैं, रात को हम लेट लेकर आए थे, फिर मैंने ऐसे ही फ्रिज में रख दी थी नमक लगा कर, तो मैंने कभी इसे अच्छा वाश कर लूँ और फिर हम इसे पकाते हैं। फिर मामू और को भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे। अंडे ला दिए, सभा को दे दिए सारे। और की हाँ जी, ये थोड़े 7-8 हैं तो सभा के लिए हैं, ज्यादा थोड़ी लेके आए। सभा सारे नहीं खाएगी, एक मुश्किल से खा सकती है। ये अंडे रख दो, दिल बड़ा होना चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए। नहीं यार, जितने 4-5 आपने खाने हैं खा लो, चार पांच आपने जो उनसे खाने हैं आप खा लो। तो नहीं खाया जाता है, सिर्फ एक ही खाया जाता है। अच्छा चलो, ये ज्यादा कदम होता है, ज्यादा कदम होते हैं। चलो जितने खाने हैं खा लो, बाकी फिर बच्चों में तकसीम करते हैं। थैंक यू अहमद भाई, आपने मेरा 15 मिनट तो दे रहा है, खाना खा के जाए ना। खाना खा कर जाए तो अम्बा राजदा बाजी भी आ गई है, तो रोटी भी तैयार है, खाना भी तैयार है, बिल्कुल तैयार है। सिर्फ 10-15 मिनट की, सिर्फ 10-15 मिनट की देर है। तो ये जी हमारी फिश तैयार है, और अब सब खाना खा। भाई खाना तैयार हो गया है। हाँ जी, आज ग्रेट हो, आज 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 पाए ना, आज आओ खाना खाओ। आ रहे हैं बाजी, आज आज दस्तर खान लगा। खाना खा रहे जा रहे हैं? मेरे बेटे को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, मैंने कहा जल्दी से इसे खिला लूँ। हाँ जी, हो जाता है ना, सब बच्चे मौजूद है। अच्छा अच्छा, हाँ जी चलो, कोई नहीं, खिलाएं से खाना खिलाएं। तो ये जी फिश हमारी तैयार है, और सब बच्चे खाने में मशगूल हैं, अब बैठने लगे हैं। रोटी खाने लगे हो? हाँ जी, आज हाँ जी का ना बड़े अच्छे लग रहे हैं। चले जी, अब बच्चे खाना खा लें, सब खाना खा लें जी। तो प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि ये अमानत मेरे पास आई है, ये पैसे हैं मेरे नहीं हैं, तो मैं कहती हूँ कि ये पैसे हैं अम्मा के, तो और ये अमानत आई है अम्मा की, जो मैं अम्मा को सौंप रही हूँ, तो अम्मा को दे रही हूँ। तो ये अम्मा जी की आंखों के लिए सिस्टर ने भेजी है यूके से, और ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी रकम है। क्यों मैं माशाल्लाह, अम्मा जी की आंखों का इलाज करवाने के लिए, एक आंख बन जाए और जनसेना करे। तो अम्मा जी ए पैसे भेजे ने सिस्टर यास्मीन अंसर, यास्मीन अंसर सिस्टर आप देख लें, ये अमानत है अम्मा की, और मैं ये अम्मा को दे रही हूँ। तो सब बहन भाई देख लें, देख लें जो अमानत मेरे पास आई थी, 15,000 मेरे पास आए थे, 1, 2, 3 ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। बड़ी बड़ी मेहरबानी। तो जी उस सिस्टर के लिए बहुत सारी दुआएं हमारी बहन है, वो अल्लाह ताला जिंदगी दे, सेहत दे, जिन्होंने एक गरीब माँ की फरियाद सुनी और इनकी आवाज़ बनी और इनका साथ दिया। दुनिया में अच्छे लोग अब भी मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला हमारी सिस्टर को बहुत सारी खुशियाँ दे, बहुत सारा प्यार हमारी उस सिस्टर के लिए, यास्मीन अंसर के लिए। तो अम्मा जी, तुसी यास्मीन सिस्टर ने कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, अल्लाह मियाँ मेरी तीनों इन्ना क देवे राज रख रख तके, ते अल्लाह ताला तंदुरुस्ती देवे, अल्लाह मियाँ इंदी रवे, हिम्मत अल्लाह ताला इनू दे गरीबां दी हिफाजत करन लई, हिफाजत करे ते मेरियां अक्खां बनवाण लगी है या मेरे मालका इंदी तियां पुत्रां दी वड्डी उम्र करे। आमीन आमीन, अल्लाह खैर करे उन्हां नूं भी जिंदगी दे। आमीन। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अमानत मैंने दे दी है, सिस्टर ने भी देख ली है, अगर वो वीडियो देख रही हैं तो लाजमी मुझे बता दीजिएगा। अम्मा जी को जितनी रकम आई थी, एक रुपया इधर से उधर नहीं हुआ, ये अमानत है, अमानत में मैंने कभी खयानत नहीं की, ये अम्मा तक अम्मा की रकम पहुंचा दी है मैंने, और ये यूके से आई है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, हमारा आज का व्लॉग यहीं तक था, और अम्मा जी यहाँ भी है तंदुरुस्ती देवे, इन्होंने बहुत मेरा साथ दिता है, ये भी मेरी बेटी है अलमिया, इन्होंने भी बहुत दे दे तंदुरुस्ती। अम्मा जी सिस्टर ने भी बहुत साथ कर, अम्मा जी और सिस्टर ने उज़्मा वास्ते भी भेजे ने पैसे, माशाल्लाह। हाँ जी, बहुत ख्याल कर दी है, और फिर भेजे ने उन्होंने उज़्मा वास्ते, हाँ जी उज़्मा वास्ते फिर उन्होंने भेजे,
कि भाई उस मानू जरा ना तुम लैके दवो एक बक्सा वगैरह लैके दवो ट्रंक से कुछ जरा एक सिलेंडर दवो अपने घर वास्ते लवो तुम कि भाई उस मां दे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं थोड़ी बच्ची भी जाती है तो इस वास्ते उन्होंने 5000 फिर भी भेजे ने उस बेटी दा भला होवे बहुत अच्छे अल्लाह ताला उन्होंने जिंदगी दे से रज के रजे इसे तरह इमाम दी खिदमत करदे रहे ने ते अल्लाह ताला देंदे रहे ने ते दुआवां लेंदे रहे तो जी प्यारे बहन भाइयों ये था हमारा आज का व्लॉग और हम इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे हमारा आज का व्लॉग जो ख़त्म होता है तो इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए हमें इजाज़त दे उज़्मा भी आ गई हुई है पाकिस्तान जिंदाबाद ओन मोहम्मद कह रहे हैं ये देखें तो जी हमारी वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अम्मा जी की आवाज़ बने रही है कि अल्लाह ताला अम्मा को जिंदगी दे सेहत दे और अल्लाह ताला ऐसे ही और जो बहन भाई हमसे पूछते हैं कि ये बच्चे जो है जो न्यू सब्सक्राइबर है वो मुझसे पूछते हैं कि ये बच्चे कौन है उज़्मा मेरी सिस्टर है तो इनके हस्बैंड का मैंने आपको सबको बताया हुआ है कि उन्होंने इनको घर से निकाल दिया जिन्होंने कहा कि बच्चे यतीम खाने में दे दें मैं बच्चों को नहीं रख तो अब जाहिर है मैंने अपने पास तो रखने हैं तो मैं दर्द दर्द की ठोकरे नहीं खाने दे सकती बड़ी बहन है मामा बजाचे मेरे हैं तो ये मेरी बहन है ये मेरी माँ जी है जैसे जिंदगी मैंने गुजारी है तो वैसी जिंदगी मेरी माँ गुजारी है बिल्कुल तो बहुत अच्छी जिंदगी मुझे अम्मा के लिए बहुत अच्छा मुझे पसंद आई अपनी माँ तो इसलिए मैंने बहुत चाहते करते हैं अपनी माँ नजर आती है और माँ नजर आती है जो जिंदगी मैंने गुजारी वही मेरी माँ सादा जिंदगी गुजार रही है सादा जिंदगी गुजार रही है ऐसे लोगों से तो मैं बहुत चाहत कर तो जी इसी तरीके से प्यारे बहन भाई हमारी वीडियो देखते रहे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं सब बहन भाइयों के हमारा दिल खुश हो जाता है सब सबके कमेंट्स पढ़कर तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए हमें इजाज़त दें पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह हाफिज़